आज का जो टॉपिक है वह क्या चाहिए, ब्लैक बुक में देखेंगे इसका। तो पहला जो वर्ड है वेट है। वेट मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ का कमी के सेंस में होता है, यानी करने का मतलब रिड्यूस रहना। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना, डिमनिश करना। डिमनिश मतलब ही कम होना, मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करना। ये क्या हुआ, एक कम करने के सेंस में, एक समाप्त करने के सेंस में। समाप्त होता है पूरी तरह, समाप्त कर दे ले जाएंगे, बर्ड तो हो जाएगा अबोलिश। अबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। एग्रावेट मतलब क्या होता है, और बढ़ा देना, मतलब स्थिति को क्या करना, स्थिति तो उसको और बदतर बना देना, बोल सकते हैं बदतर बना देना, बदतर। जो नॉर्मल स्थिति से उससे क्या होना, अब नॉर्मल कंडीशन में ले लाना, अब नॉर्मल कंडीशन में लाता, उसको बोलते हैं बदतर। नॉर्मल से क्या हो गया, बढ़ गया, अब नॉर्मल हो गया। तो एग्रावेट मतलब क्या होना, और बढ़ा देना। प्रोवोक करके, प्रोवोक मतलब क्या ना, किसी को उकसाना, तो क्या होना, उसको एक तरह से बढ़ा देना। तो ये इसका था बड़े में एंटोनिम, ये हो जाएगा अगला। अब्रिविएट, अब्रिविएट मतलब संक्षिप्त करना, यानी किसी चीज़ का संक्षेपण रूप। तो एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब क्या होना, विस्तार करना। एनलार्ज, एनलार्ज मतलब क्या होना, विस्तार करना। तो इसका मतलब क्या होगा, विस्तार। अब्रिविएट मतलब क्या होता है, संक्षेप। अवॉइड, अवॉइड मतलब पालन करना, कंपाइल करना। जैसे नियम उम को क्या करते हैं, नियम रूल को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, पालन करते हैं। लिखेगा कोलोकेशन में, रूल को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, पालन करते हैं। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब क्या होना, आप रिजेक्ट कर रहे हैं। एक अस्वीकार करना, देखिए इसका जो एंटोनियम है, एक्सेप्ट बोल सकते हैं, एंटोनियम की बात करें तो एक्सेप्ट भी जा सकता है। एक्सेप्ट मतलब क्या होना, स्वीकार करना। और रिजेक्ट मतलब खारिज करना। तो यहाँ अस्वीकार का सेंस जा रहा है, मतलब कि आपने माना, यहाँ पर क्या क्या अस्वीकार कर रहा है, मतलब वह मान नहीं रहा। अगला अबोलिस, अबोलिस मतलब होता है समाप्त कर देना। यहाँ पर देखिए अबोलिस मतलब क्या होता है, कंप्लीट क्या करना, रिफॉर्म मतलब पूर्ण बदलाव, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, उसको बोलते हैं अबोलिश करना। ठीक है, अबोलिश। अबोलिश मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव। बिल्ड, बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, निर्माण करना, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अबोनीमल, अबोनीमल घटिया, अबोनीमल मतलब एक तरह से घृणा करना, डिस्पाइस करना, डिनाउंस करना, निंदा करना। सैनोनिम जा सकता है घटिया, घटिया की स्थिति में, क्वालिटी में बोल सकते हैं घटिया, यही ना, मतलब कि कहते हैं घटिया, बोलते हैं कि घटिया क्वालिटी का है। मतलब जो गुड क्वालिटी कैसा होता है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। जैसे एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हैं, गुड, कंपरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ हो गया क्या, ये सेंस वाले देंगे। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल मतलब घटिया, यानी डिलाइटफुल, मतलब एक तरह से सेंस जा रहा है क्या चाहिए, मतलब कि निंदा के सेंस में, मतलब जो नॉर्मल उससे खराब है, स्थिति खराब है। तो डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब जो है आनंद होता है। प्रेस, आनंद, प्रे, प्रेस मतलब तो प्रशंसा होता है। एडमिरेबल मतलब प्रशंसा करना, इसका प्रेस भी जाएगा सिनोनियम। डिलाइटफुल मतलब जोय, हैप्पी, खुशी। मेरी, मेरी मतलब ही जोय होता है। ठीक है, अब ओरिजिन, अब ओरिजिन मतलब तो मूल निवासी, मतलब नेटिव प्लेस, आपका जो नेटिव प्लेस जहाँ था, जहाँ आप जन्म लिए थे, ओरिजिन प्लेस बोल सकते हैं। ओरिजिन से बना, ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल। जैसे कोई भी केंद्र, केंद्र कोई सर्कल बनाते हैं तो इसको ओरिजिन है, इसका सेंटर है। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल, यानी मूल निवासी हुआ।
इमिनेंट, इमिनेंट मतलब अप्रवासी, अप्रवासी, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब क्या होता है, अप्रवासी होता है। जैसे कोई देश से, कोई देश से एक देश से दूसरे देश जाता है तो क्या करता है, इमिग्रेंट फॉर्म भराता है, इमिग्रेंट लेता है, इमिग्रेंट मतलब उसको भरता है। एवब मतलब होता है ऊपर, एवब मतलब जो स्तर को दिखा रहा है, मतलब जैसे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एवब योर हेड, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एवब मतलब ऊपर के सेंस में। और जैसे ट्री है, ट्री के अंडर होता है बीनीथ द ट्री, बीनीथ हो जाएगा, बीनीथ मतलब उसके छाया में। और यहाँ क्या, बिलो, बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, बिलो मतलब नीचे, स्तर में नीचे दिखा रहा। एक होता है बीनीथ, बीनीथ द ट्री, एक होता है अंडर, अंडर क्या हुआ, जैसे टेबल के अंडर, टेबल हुआ इसके अंदर नीचे हुआ, लेकिन पेड़ पेड़ है इसका बीनीथ में है, मतलब उसके यहाँ पर बैठे हुए हैं छाया में, तो वो बीनीथ द ट्री। यहाँ पर देखिए क्लोज स्पेस है, ये जो टेबल है इसके चारों ओर ही मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पेड़ के अंदर में छाया में बैठे हैं। बड़ा स्कॉन, स्कॉन मतलब फरार होना, क्या होना, स्कॉन मतलब भरा, फरार हो जाना। अब स्कॉन्डर से बना, स्कॉन्डर मतलब फरार, रिमेन मतलब टिकना, रिमेन मतलब जैसे आप शेष बोलते हैं कोई चीज़ का, जो अब शेष बन जा बच जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं भी रिमेन, मतलब अब शेष बच गया, रेस्यूड बोल सकते हैं अब शेष के लिए, रेस्यूड। अब्जोर्ब, अब्जोर्ब मतलब सोख लेना, जैसे पानी, जैसे बोलते हैं ना सैंड, सैंड क्या करता है, वाटर को सोख लेता है। तो एजेक्ट, एजेक्ट मतलब निकालना, एमिट, एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लाइट का एमिशन, एमिट मतलब निकालना। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब निराकार, अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अमूर्त है, जिसको मूर्त रूप में नहीं देख सकते हैं। तो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था में कॉन्क्रीट है। अगला अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुर, प्लेंटीफुल बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, प्रचुर, अबंडेंस मतलब प्रचुर हो गया, प्लेंटीफुल। स्कार्सिटी मतलब कमी, लैक, मीगर, स्कार्सिटी, मीगर, ये समान इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया, मतलब ये समान मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्यूसिव, अब्यूसिव मतलब अपमानजनक, मतलब कि डिस्पाइस करना, निंदा करना, घृणा करना, अबहोर करना। अबहोर, अबहोर मतलब होता है इसे एक्चुअल मीनिंग घृणा करना। डिनाउंस मतलब निंदा करना। तो लॉडेटरी मतलब प्रशंसा, प्रेस करना, किसी को प्रशंसा करना, प्रेस करते हैं। अक्लॉड मतलब ही प्रशंसा होता है, प्रेज बढ़ती, प्रशंसा। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा लॉडेटरी। अला ब्यूटिंग, ब्यूटिंग मतलब सटा हुआ, एडजेसेंट बोल सकते हैं, एडजेसेंट मतलब डी, एडजेसेंट बोलते हैं ना, एडजेसेंट एंगल है मतलब सटा हुआ। फार, फार मतलब डिस्टेंट, डिस्टेंट बोल सकते हैं दूर होना। एक्सीलरेट मतलब गति करना, गति बनाना, इंक्रीज करना। एक्सीलरेट मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना, इंक्रीज, स्पीड को इंक्रीज करना, एक्सेलरेशन से बना एक्सेलरेट। डिले, डिले मतलब देरी करना, विलम्ब करना, विलम्ब करना। और क्या करना, डिले मतलब लेट से जाना, लेट करना। हॉल्ट, हॉल्ट मतलब क्या करना, रोकना। एसेन्यूएट, एसेन्यूएट मतलब जोर देना किसी पर। एसेन्यूएट मतलब जोर देना फोर्सफुली। तो डिस्पैरेज, डिस्पैरेज में उपेक्षा करना किसी को, मतलब
मतलब कि जोड़ देना या वो उपेक्षा कर रहे हैं किसी को, डिस्पैरेज करना, मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट, रिजेक्ट करना, डिनाई, डिनाई मतलब क्या सहना, मतलब रिफ्यूज करना, डिनाई करना, आप अस्वीकार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, डिसोबे, डिसोबे तो हो जाएगा पालन नहीं करना, डिसोबे, एक्सेसेबल मतलब पहुंच, इसे बोलते हैं ना एक्सेस है मेरे, ये हमारे पहुंच के अंदर है, एक्सेस है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब वर्जित, मतलब कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ, अकुलेड, अकुलेड मतलब सम्मान, किसी का सम्मान, तो ब्लेम मतलब दोषी, दोषी करना, दोषी लगाना किसी पर, उसको बोलते हैं ब्लेम, अकुमुलेट मतलब जमा करना, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब क्या होता है इकट्ठा करना यानी एक जगह जमा करना, डिस्पर्स मतलब क्या होता है बिखेरना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े होंगे 11th पीरियड में या डिस या 9th में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी लाइट का बिखराव, एस्क्वेंडर मतलब गवाना, एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, किसी पर लांछन लगाना, तो एक्सपल्पेशन, एक्सपल्पेशन मतलब सफाई देना, मतलब क्या ना डिफेंड करना, बचाना, डिफेंड, आप अपने बचाव पक्ष में जो आरोप लगाए उस पर क्या करना, आप बचाव दे रहे हैं, असर्विक मतलब कड़वा, बिटर, कड़वा, ब्लैंड मतलब बेस्वाद, अकनॉलेज, अकनॉलेज मतलब क्या होता है स्वीकार करना, तो डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब पतन होता है, एक तरह से होता है पतन, पतन के सेंस में भी जाता है डिक्लाइन मतलब, अक्यूजन, अक्यूजन मतलब अधिग्रहण करना, क्या करना, अधिग्रहण करना, आप ग्रहण करते हैं, लॉस मतलब नुकसान, हानि, आगे देखते हैं साथियों, अक्यूट, अक्यूट मतलब क्या होता है दोष मुक्त करना यानी बरी करना, निर्दोष ठहराना, कंडेम, कंडेम मतलब क्या होता है निंदा करना, दोष लगाना, कन्विक्ट मतलब दोषी, ब्लेम मतलब दोषी, अक्यूमन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट, स्टुपिडिटी मतलब क्या होता है मूर्ख, फुल्लिस, एडमेंट मतलब कहते अटल, जिद्दी, ऑब्स्टर्वर, ऑब्स्टर्वर मतलब क्या होता है जिद्दी, यील्डिंग मतलब क्या होता है गुलीबल, जो आसानी से धोखा दिया, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग उपजाऊ, नर्म लचीला, ऐड मतलब जोड़ना, तो रिमूव मतलब क्या होता है हटाना, एडिपोस मतलब बसा, एडिपोस, एडिपोस मतलब क्या होता है बसा, तो स्ट्रिंगी मतलब क्या होता है रेशेदार, स्ट्रिंगी मतलब क्या होता है रेशेदार, और एडिपोस मतलब क्या होता है बसा, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, तो डिस्टेंस मतलब दूर, फार मतलब दूर, एडमिरेबल मतलब प्रशंसा, प्रेस करना, प्रशंसा करना, अनवर्दी, अयोग्य, ब्लेम वर्दी, ब्लेम, दोष मुक्त करना, कन्विक्ट करना, दोष मुक्त करना, कन्विक्ट मतलब एडमिरेशन मतलब प्रशंसा करना, प्रेस करना, कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना, कंडेम, इसी से बना कंडेम से, डिनोंस, डिनोंस मतलब क्या होता है निंदा करना, एडमायर, एडमायर मतलब प्रेस, प्रशंसा करना, रेडिकुलर मतलब उपहास उड़ाना, मौकरी,
वो फांस उड़ाना किसी को, व्यंग करना, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, प्यूरिफिकेशन प्योर शुद्धि प्योर से बना, अडल्ट्री मतलब व्यभिचार, प्यूरिटी मतलब पवित्रता, एडवांस मतलब उन्नत, रिटार्डेड रिडिमेंट्री मतलब मंद, रिटार्डेड मोशन एक होता है एक्सेलरेशन होता है फिर रिटार्डेशन होता है, तो जो एक्सेलरेशन मतलब बढ़ा, रिटार्डेशन मतलब पीछे होना, रिडिमेंट्री मतलब मंद, एडवोकेसी मतलब समर्थन करना, डिस्करेजमेंट मतलब हतोत्साही, इनक्रेजमेंट इनक्रेज करना मतलब क्या होना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, अफेवेबल मतलब क्या होता है मिलनसार, जो क्या हो मिलनसार, मिलनसार अफेवेबल है, तो श्योरली मतलब बदतमीज बदमिजाज बदमिजाज, एफिलिएशन जैसे संबंध होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड क्या करता है एफिलिएशन लिए मतलब अलग अलग स्कूल क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखता है, एफिलिएशन करता है, डिटैचमेंट मतलब अलग, सेपरेशन सेपरेशन मतलब क्या होता है अलगाव, सेग्रेगेशन मतलब क्या होता है अलगाव, इसका मतलब भी अलगाव होता है, अफहम अफहम मतलब स्वीकार करना, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दो तरीका होता है, या तो आप चुनौती को क्या करते हैं स्वीकार कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको रिफ्यूज़ करते हैं, डिसएग्री एग्री एग्री मतलब क्या होता है मानना, जैसे आप कोई बताया कोई बात को तो आप उसका एग्री सहमति व्यक्त कर सकते हैं असहमति व्यक्त कर सकते हैं, डिनाइल डिनाइल मतलब मना करना, अफ्लिक्शन मतलब यातना पीड़ा वेदना, कॉस्ट ये हो गया अफ्लिक्शन मतलब, प्लेजर मतलब आनंद जोय खुशी एडमायर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, एग्रेंडाइजाइज एग्रेंडाइजाइज मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, क्या होता है एग्रेंडाइजाइज मतलब शक्ति को बढ़ा देना, मैंने इंक्रीज पावर, बेलिटिल मतलब महत्व घटाना, बेलिटिल मतलब कम करना महत्व को, डिमिनिश कर देना, डिमिनिश मतलब छोटा होता है लेकिन उसके महत्व को डिमिनिश करना कम करना, एग्रेसिव मतलब आक्रामक उग्र पीसफुल काम मतलब क्या होता है शांत प्लेसेड मतलब शांत, मोलिफाई शांत इसका मतलब क्या होता है शांत होना, एजिटेट एजिटेट मतलब उत्तेजित करना, किसी को इन्वोक करना, किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, तो एंटोनिम होगा पैसिफाई शांत करना, काम सूथ प्लेसेट मोलिफाई, अगोनी मतलब क्या होता है कष्ट, अगोनी मतलब क्या होता है कष्ट, तो एंटोनिम होगा प्लेजर, एक्सैक्ट से मतलब क्या होता है खुशी ECSTASY, डिलाइट मतलब जॉय, कंफर्ट मतलब आराम, एग्री मतलब सहमत होना, अपोज मतलब क्या करना विरोध करना, एग्रीमेंट एग्रीमेंट जैसे दो व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट हुआ समझौता, तो डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद बेअति अनबन क्वारल, सेंस वाइज आ सकता है क्वारल डिस्कॉर्ड, एरी मतलब हवादार, अस्टफी मतलब घुटना भरा, अस्टफी मतलब क्या होता है घुटना भरा दम घुटने वाला, एलियन मतलब विदेशी होता है, एलियन मतलब क्या होता है जो जो क्या हो अनजान हो, नेटिव मतलब देशी, अलाइट मतलब उतरना, अलाइट मतलब क्या होता है उतरना, जैसे बोलते हैं ना कि लाइट फ्रॉम तरह क्या चीज़ है तो एरोप्लेन से, तो अलाइट मतलब उतरना, एम्बार्क मतलब चढ़ना, एम्बार्क मतलब क्या होता है चढ़ना, एम्बार्क वार्क मतलब एम्बार्क एम्बार्क, अलाइक मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो अलाइक मतलब कैसा होता है एक जैसा, तो आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब।